क्या सही है और क्या गलत है ये समझाने की मैंने बहुत बार कोशिश कर ली, लेकिन आप लोग हैं कि समझना ही नहीं चाहती। तो ठीक है, इस लड़ाई में मैं भी अड़िग खड़ी रहूंगी। और रही बात चुनौती की, तो उसके लिए अभी समय है। देखिए, नानी जी का यकीन मैं कैसे जीतती हूँ। लेकिन हमें उसे इतने हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। और अभी तक मैं ये बात नहीं भूली कि उसने हमें काफी बार मार दी। वो ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं है, कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेगी। उससे पहले वो कुछ करे, हमें कुछ करने के लिए सोचना पड़ेगा। नानी जी, आप मुझसे बड़ी, मुझ पे नाराज होने का आपका पूरा हक बनता है, लेकिन एक बार मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दीजिए। अब सुन तो लीजिए नानी जी, नानी जी मेरी बात तो सुनिए नानी जी। हमारा ठाकुर जी, मैं यहां ये सोचकर आई थी कि तीर्थ यात्रा के बाद यहां कुछ दिनों शांति से बैठकर मैं मेरी आस्था के लड्डू गोपाल उपहार का काम आगे बढ़ते देखूंगी, उसे कुछ सलाह सूचन दूंगी। उसको आगे बढ़ते देख मेरे आखिरी समय में मैं संतोष लूंगी कि मेरी भक्ति की आखिरी निशानी को अपने पाओ पर चलना आ गया है। लेकिन यहां आकर जो देख रही हूं उसे देख के तो मुझे लगता है कि काश मैं यहां आई ही न होती। अभी गरबा खेलने का वक्त नहीं आया। मैंने तुम लोगों को कल रात में भी कहा था और अभी दोबारा कहती हूं, वृंदा उन लोगों में से नहीं है जो इतनी आसानी से अपनी हार मान ले। कल रात को मैं यही सोच रही थी कि कैसे उसे मात दी जाए। और देखो, अब मेरे हाथ एक कौड़ी भी लग गई है। नानी जी, अरे तमिलों को बेटा आओ, आओ बैठो। नानी जी, आप ही अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके यहाँ होने से हम सबको कितना अच्छा लगता है। बुजुर्गों की छाया में बच्चों को हमेशा ठंडक ही मिलती है। कल रात हम ये सुनकर बहुत खुश हुए थे कि हमारे आग्रह पर आप कम से कम यहाँ पे एक महीना और रहेंगी। लेकिन नानी जी, ये अचानक
यहां से जाने का निर्णय क्यों नानी जी?